तो अभी हम लोग आए हैं जॉलीबी। जॉलीबी जो है ना, ये फिलीपींस का मैकडी जैसा है, मतलब बहुत लंबी चेन है इसकी। और ये मोहतरमा लेके आई है मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी और ख़ुद के लिए ऑरेंज जूस। तो बस अब हम लोग आए हैं बकलरन चर्च। बकलरन एक यहाँ का बहुत पुराना हेरिटेज चर्च है। यहाँ एक्चुअली दो बड़े चर्च हैं, बकलरन और कियापो। तो अभी हम लोग हैं बकलरन या बाकलरन चर्च के अंदर, और यहाँ हम लोग बस ये मोमबत्ती जलाकर प्रे करेंगे। आज संडे है तो यहाँ पे इनका मास भी होता है। अभी आइडिया नहीं है क्या, लेकिन अब ये बोली कि चल चल चल, तो मैं आ गया साथ में। तो यहाँ बस हम लोग विश मांगेंगे और ये मोमबत्ती जलाकर फिर हम चलते हैं चर्च के अंदर। तो ये है बकलारन चर्च। यहाँ का अंदर का माहौल है ना, इतना शांत है और इन लोगों में इतना डिसिप्लिन है। ये मोहतरमा सारी विशेष आज ही मांग डालेगी। बस देखो कितना ध्यान से विश मांग रही है, भगवान बस पूरी कर दे। एनीवे बस इसकी पूजा पाठ हो गई और बस अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये पहुंच गए हम मेन बकलारन के मेन जो इनका सभागार या जो हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, यहाँ पहुंच गए। बस आके हम लोग बैठ चुके हैं और अभी इनके जो भी कार्यक्रम या जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं वो होंगे। इनके फादर यहाँ पे आएंगे और कुछ स्पीच वगैरह देंगे। तो ये तकरीबन एक एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम है जो मुझे अटेंड करना है। तो देखिए अभी ये सामने फादर और साथ में जो भी ये दो है, ये शायद होली होली बुक शायद ये लेके आ रहे हैं साथ में, और कुछ ये सुगंधित धुआं भी है। भाई ये माफ़ करना, मुझे नहीं पता क्या है इन चीज़ों का नाम, तो अगर कोई मैं गलत बोल दूँ तो भाई छोटा भाई समझ कर माफ़ कर देना। शायद ये बाइबल ही लेके आ रहे हैं साथ में, कुछ ये सुगंधित धुआं फैला रहे हैं। पीछे शायद ये फादर है यहाँ के। तो सब लोग खड़े हो गए हैं इनके आदर के अंदर, इनके रेस्पेक्ट के अंदर। और बस इसके बाद इनका मास शुरू होगा। बस अब ये इनकी तो बस अब हम आए हैं यहाँ के बकलारन मार्केट के अंदर। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई मेरे को, इसको बोलते हैं बालोट या बालोत। ये एक्चुअली डक का फर्टिलाइज अंडा एग है। ये मतलब 14 से 21 डेज का फर्टिलाइज एम्ब्रियो है इसके अंदर। मतलब क्या बोलते हैं, अध पका अध जन्मा चूजा, जो 14 से 21 दिन के बीच का ये होता है। तो इसको ये लोग यहाँ बॉयल कर कर स्ट्रीट फूड के रूप में बेचते हैं। मतलब रियली वेरी वियर्ड, बट लेकिन अब ये खाते हैं तो ये मोहतरमा खाएगी। तो वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बेसिकली डक का फर्टिलाइज एग है, 14 से 21 डेज का। और इसको बॉयल करते हैं और इसके अंदर एक लिक्विड रहेगा, और वो जो अध जन्मा अध अध पका हुआ बेचारा एम्ब्रियो होएगा, ये यहाँ से ऊपर से देकर सैर उतरेगी और अंदर ये जूस का सिप लेगी। और इसके अंदर नमक और सिरका डाल कर ये सिप 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 का कार्यक्रम चलेगा। मतलब देखने में बड़ा वियर्ड है, लेकिन ठीक है भाई। ये देखो ये है इसका एम्ब्रियो। और ये भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डेवलप होता है। ऊपर वाला ये लोग सिप ले लिया मैडम ने,
मतलब ठीक है यार, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में भी। अभी ये पर उसके ऊपर नमक छिड़केगी, जख्मों के नमक, और फिर सिरका, और ये सिप 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 सिप, ये देखिए क्या खुश हुई है बंदी। अभी उसी का ये जूस है, और फिर जब उसका शेल हटाएंगे तो इसमें से येलो पोर्शन अलग निकलेगा, उसके जो आधे डेवलप हुए विंग्स और लैग हैं वो अलग निकलेंगे, जिसको फेंक दिया जाता है और कुछ पर्टिकुलर पोर्शन उसका खा लिया जाता है। तो देखो भाई, बालूत बालूत जो भी है, ये आपको साउथ एशिया, चाइना, फिलीपींस में बहुत आसानी से मिल जाएगा ये। और ऐसे ही ऑस्ट्रिच के एग भी ये लोग खाते हैं, ऐसे ही फर्टिलाइज 14 से 21 डेज का ये सिरका है। तो खटाई भी चाहिए देखो, और ये देखो बेचारा, ये ऊपर का पोर्शन और नीचे इसका जो ब्लैक ब्लैक है उसके अंदर इसके टांग, आँख, नाक, गला, टांगे, पंख, ये पंख तो निकाल के फेंक दिए। और ये इसकी आँखें, गर्दन वर्दन जो भी है, तो बड़ा देखने में अजीब सा लगता है, लेकिन यहाँ ये लोग बहुत उसको शौक से खाते हैं। तो भाई अगर आप भी आओ, अगर फिलीपींस, और अगर डेयरिंग हो करने की, तो बालोर जरूर ट्राई करना भाई। मैं तो देख के ही कम कम आ गया, तो अपने तो हिम्मत हुई नहीं, तो बस ये आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया मैंने। तो कमेंट कर देना ये खा पी के ये मुँह पहुँचा और रेडी टू गो, ये हाथ धो लिया, खाया पिया, हाथ धोआ और काम फ्री। तो कैसा लगा भाई बता देना।